इसको यही छोड़ देना, पहननी है ये, नहीं अच्छी लगती मेरे को। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से आपका हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। और अभी अभी मैं जा रही हूँ अपनी क्यारी में। मैंने आपको बताया था कि मैंने मक्की लगाई थी, उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था। तो आज मैं देखती हूँ वो हुई है कि नहीं। बारिश भी काफ़ी लगातार हुई है, कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मक्की का क्या रिज़ल्ट रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो गई है, जिस मेथड से मैंने लगाया था लगभग 4-5 दिन में ही ग्रो हो गई है। मुझे तो याद भी नहीं रहते दिन कितने दिन में हुई है कितने दिन, लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। देखिए ये देखिए हमारी मक्की, जितने भी प्लांट लगाए थे सारे के सारे स्प्राउट हो चुके हैं। ये देखिए तो बहुत अच्छे तरीके से हुई है। और टमाटर ने भी अपनी जड़ पकड़ ही ली है, लेकिन अभी उतने अच्छे से नहीं हुए हैं बारिश के कारण ना। एक बार एक छोटी पौध थी तो ये टूट भी जाते हैं, और इसमें मुझे लग रहा है गाय भी चली है। ये देखिए तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो मैं यही देखने आई थी कि अच्छे से हुई है कि नहीं, लेकिन मेहनत सफल रही। और अब जो मिर्ची की पौध है उसको भी लगा दूंगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। और आज भी ना मौसम यहाँ का ऐसा है, मतलब बादल बादल से काफ़ी ठंडा मौसम। अभी बज रहे हैं लगभग दिन के 2:30 या 3:15 बज रहे हैं। तो मैं ना दिन में रेस्ट नहीं करती हूँ, सोती नहीं हूँ, और यही मेरे चक्कर काटती रहती हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। और इधर हमें मिल गया है टाइगर, और ये मांग रहा है खाना, तो इसको खाना दे देती हूँ मैं। हाँ भाई, क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए बच्चे? ये देखो खाना मांगने आया है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए खाना ले। देखना कितना खुश हो रहा है। अभी तो फिलहाल मेरे पास यही बचा था, सबको रोटी दे दी थी, लेकिन रोटी ख़त्म हो चुकी तो बिस्किट बचे थे, ये तो यही खा लेगा। खा ले, चल फटाफट खा ले, है बाय। तो चलते हैं अंदर, चलो चलो अंदर, चलो 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 भाई राजा। और इधर है आपका प्यारा राजा, सोता नहीं है तो दिन में है। और इधर हमारी प्यारी लूसी, हाय लूचा। ये देख लो, ये इसके बिस्किट खाने के चक्कर में है, किसी भी तरीके से मिल जाए। और इधर है हमारी फेरी पुच्चू, पुच्चू ला रहा है मेरा बच्चा, पुच्चू पुच्चू, होली 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 होली। कुछ अमृत नहीं दिया मैंने, कुछ नहीं दिया उसको, कुछ नहीं दिया उसको। देखना कैसे लड़ रही है, ये कह रही क्या दे क्या ये। हाँ मेरा बच्चा, हाँ ओली ओली ओली, हाय भाई हाय भाई। अरे मैं कहीं नहीं गई थी। मौसम खराब है तो कपड़े धो के ना, ये देखो यहाँ डालने पड़ रहे हैं, ये सारे कपड़े फैले हुए इधर। पंखा चला देते हूँ सूख जाते हैं, ऊपर तो कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन मौसम मतलब ऐसा लग रहा था कि गर्मी आएगी, लेकिन गर्मी इस बार महसूस नहीं हो रही है ना, सर्दी आ गई थी। दोबारा दोस्तों कैसे हैं आप? तो मैं वही कह रही थी कि गर्मी बिल्कुल नहीं है। देखिए ये मेरे को ऐसे पकड़ते हैं तो कैसे करती है। क्या बात है बाबू, हटू 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 हटू, देखना इसको, इसको इतनी चिड़ मस्ती है ना। क्या बोल रही है, जा तू जा, आ तू जा, चल तू चल, मेरे को पकड़ फिर कैसे करेगी। अच्छा बोले हाथ भी नहीं लगाना बिल्कुल भी चिड़ंकू। तो अभी मैं आ चुकी हूँ छत पर। वैसे तो मेरा इरादा था कि आज मैं गार्डनिंग वाला वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मुझे जाना है शादी में, तो बहुत सारे काम भी निपटाने थे, तो आज मैंने पेंडिंग छोड़ दिया। और मैं मुझे बनाना था गुलाब पर। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये जो गुलाब देखिए मैंने लगाया था स्टैंडर्ड वाला, ये वाला देखिए कितना प्यारा खिला है। और ये देखिए ये ब्लैक और रेडिश ब्लैक में जो होता है ना, मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, अच्छे से चल रहे हैं। और सभी को देखिए मैंने काट दिया है जितने भी हैं। तो ये तो मेरा नॉर्मली काम रहता ही है, खिलते रहते हैं काटती रहती हूँ। ये देखिए डबल डिलाइट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज ये काम निपटा दूँ झाड़ू वाला। वैसे भी आज मुझे लग रहा है संडे है, घर पर रहते रहते संडे मंडे भी नहीं पता लगता। संडे है, संडे नहीं है, संडे है आज, तो संडे होगा, संडे नहीं है, नहीं
मैं देखती हूँ पहले, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ पता नहीं चलता, आज है फ्राइडे, तो फिर भी ये सफाई करनी है तो फटाफट से मैं करती हूँ। जितने भी प्लांट है, और गुलाब ना मेरे, ये देखिए, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, इसमें माइट्स ने अटैक कर दिया है, तो इसको प्लांट को मुझे बचाना है। यही वो ग्राफ्टेड वाला है जिस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो ये खराब हो जाएगा नहीं तो। आप क्या कर रहे हो, चलो ना हेल्प करवाओ ना। ओए राजा उठ जा बच्चा, अच्छा ओह हो लाडला बेटा, फिर तू क्या कर रही, क्या खोजबीन कर रही है। चलो ना फिर देर हो जाएगी, दोनों मिलके निपटा लेंगे ना। चलो ना, आज तो जिद करनी पड़ रही है, मान ही नहीं रहे भाई। पूरी छत क्लीन हो चुकी है, अब काफी अच्छी लग रही है चारों तरफ। गार्डनिंग के देखिए फूल निकले थे, इसको मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। ये मेरे बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है, पॉटिंग मिक्स में काम आ जाता है, इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना लेती हूँ, तभी तो मेरे प्लांट इतने अच्छे अच्छे रहते हैं। और मुझे फर्टिलाइज करना है गुलाब को भी और रेन लिली को भी, तो आज तो मैं करने वाली नहीं हूँ, कल ज़रूर से ज़रूर मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो गर्मी लग गई, झाड़ू लगा के तो मूड हो लेते हैं। हाँ हाँ, बड़ी ठंडक मिली। हाँ, मैं एक बार छत पे आ जाऊँ ना, फिर मेरा दोबारा नीचे जाने को मन नहीं करता, मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ ग्रीन ग्रीन है, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जंगल है, तो बहुत ही मनमोहक व्यू है जो मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। और मैंने ना इसके अलावा देखिए पिटूनिया फिर से ख़राब हो गए थे, मैंने वीडियो में बताया था, फिर से निकाल दिए, फिर से हरे हो जाएंगे। तो खूबसूरत वादियों के बीच में अपना प्यारा सा घर है, तो काफ़ी अच्छा, मेरा कहीं जाने का भी मन नहीं करता है कि कहीं हम घूमने चले जाएं, क्योंकि छत पे ही आके इतना अच्छा लगता है। काम कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ तीनों के तीनों कैसे सो रहे हैं। इधर तो लूसी सो रही है, और उधर है हमारी फेरी, और नीचे है राजा, लगे तीनों लाइन से बैठे हुए हैं। भाई क्या हो रहा है फिर? और आज शादी में जाना है, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या पहन के जाऊँ, तो मैं साड़ी सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सी वाली पहनूँ, और मुझे गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और सारा कलेक्शन ना मेरा गोल्डन और मतलब लाइट कलर में ही मिलेगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पीच हो गया, गोल्डन हो गया। तो मुझे मैं आपको दिखाऊँ, एक ये साड़ी है मेरी, निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत साड़ी है ना, ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ आज ये पहन के जाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया है मैंने इसे पहना नहीं है। तो एक ये है, और दो में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सी पहनूं। एक और है, इसको दिखाती हूँ आपको, एक है ये वाला गोल्डन। तो अब इन दोनों में मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा पहनूं, ये वाला। और ज़्यादातर मेरे पास ना आपको यही कलर मिलेंगे, गोल्डन हो गया, क्रीम हो गया, ये कौन सा सी ग्रीन है, मतलब कलर भी नहीं पता, पर है बहुत प्यारा साड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल तो मैंने ये दो सेलेक्ट करी है, अब इनमें से देखूंगी कौन से पहनूंगी, तैयारी कर लेती हूँ रात को जाने के लिए। मैंने तो बताया कि आपको ये दोनों सेलेक्ट करी हुई, आप पति देव जी आ गए, बोल रही ये नहीं पहननी, कौन सी पहननी है, मैं वही पहनूंगी, मैं नहीं पहनूंगी और कोई, मेरे को नहीं अच्छी लगती। मैं जब बोल रहा हूँ और कोई सी नहीं पहनूंगे यार, ये क्या बात हुई, मैं नीली वाली नहीं पहननी है, ये नहीं अच्छी लगती मेरे को, ये कई बार पहनी हुई है, मुझे वही पहननी है, ये ब्लू, ये भी अच्छा लगता ना, ये रेड, नहीं जो मैंने सेलेक्ट किया वो ठीक नहीं है, कौन सा गोल्डन, ये ठीक नहीं है, है? देखना मुंह, देखना मुंह दिखाना, अच्छी है ये भी भाई, मैं मुंह क्या, मुंह से थोड़ी पहननी है, अच्छी लग रही है ये भी, मैं यही पहनूंगी, बहुत दिन हो गए इसको पहने हुए। अच्छा मैं आपकी मर्जी से ना फिर दूसरा फंक्शन होगा तब पहन लूंगी, ठीक है, ठीक है, सुनो तो
सुन लो, मान जाया करो पति देव जी। अच्छा इन दोनों में से तो बता दो, इन दोनों में से बताओ, जल्दी बताओ ना, ये बताएंगे इन दोनों में से। हाँ ये वाली, चलो शुक्र है ये तो कहा, नहीं तो यही पहनूंगी मैं। मैंने पतिदेव के कपड़े भी निकाल के रख दिए हैं, ये टी शर्ट ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और ब्लैक पैंट। अगर बारिश हुई तो ये वाला ब्लेजर पहन के जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई ठंडा नहीं हुआ तो वो दोनों ही पहनेंगे, वो दोनों ठीक है ना, सही लग रहा आपको? नहीं बारिश होगी तो पहनना वरना मत पहनना, ठीक है? हाँ ये तो ठीक है ना, चलो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है तो फेरी भी जाएगी साथ में, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। दिखाओ बच्चे आँखी, आँखों में ज्यादा लग जाता है इसको ना। हाँ मेरा बच्चा ऐसे तो गीला करा हुआ है मैंने कपड़ा, बाश गुर्र नहीं करना बच्चे। ओ ओ, ओ, ओ हाँ बस बस भाग गई, भाग गई थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाई हूँ। अब इसकी कंघी कर देती हूँ, दिखाओ दिखाओ ऐसे दिखाओ। अरे भाई इतना छोना बच्चा है, मेरा छोना बच्चा उठने को तैयार नहीं है, उठो ऐसे ऐसे उठ जाओ, दिखाओ चल ले बस बतेरा, कपड़े पहनो कपड़े पहन लो ठीक है। ऐच मेरा प्यारा बच्चा, गुस्सा हो रही है कि मेरे को, ये भी चलेगी क्या शादी में? उसको तो यहीं छोड़ दियो, तो यहीं रह लेना ठीक है। ठीक है चलो बैठ, खड़े तो हो जा। हाय देखो देखो देखो, ओले मेरा राजा बेटा, ओले हाँ। इसको यहीं छोड़ देना, इसको मत ले जाना। मेरा राजा बेटा तैयार हो गया, आप यहीं रहना ठीक है। चल जा। गाइस मैडम जी जो है ना पिछले पौने दो घंटे से तैयार हो रही है, और ये देखिए इनका क्या बात है यार, आप क्यों दिखा रहे हो ऐसे? ताम झाम सारा खोला हुआ, फाइनल लुक दिखाऊंगा, फाइनल फाइनल नहीं लुक, मतलब कब तक चलेगा ये सिस्टम? अभी अभी बज रहे हैं 7-8 बजे तक हो जाऊंगी। पिछले पौने दो घंटे हो गए और अभी भी 8 हो गए। तो आपको करना ही क्या है, पैंट शर्ट पहनी, मेरे को बाल स्ट्रेट करे, मैंने साड़ी पहनने में मुझे 1 घंटा लगा, अभी वो भी ढंग से नहीं पहनी, लपेट के बैठूं, मैंने कहा पहले मेकअप कर लूं फिर इसके बाद आराम से पहनूंगी, अभी काजल लगा रही हूं। लगता नहीं मुझे साबी ना लूं तो 1 घंटे में तो जो जाऊंगी यार, आप ऐसे क्यों बोलते हो, जो फला रखा है यही पूरा होगा 1 घंटे में तो, बाद में आके कर लूंगी, अभी दिखा दूंगी रुक जाओ ना, अभी कर ले दो, जल्दी कर लो यार भाई, बस जल्दी कह दिया तो बस ओ, बच नहीं खूब आराम से तसल्ली से करो, तसल्ली से ठीक है। काजल लगाने, काजल लगा, मैडम जी का काजल लग रहा है भाई साहब, क्या बात है। ये हंसते रहते हैं जब नहीं देखो अपने आप, जब 10 बार कंघी करते हो मैं कभी हंसू पता नहीं, ये सोते भी रहेंगे ना तो भी पहले उठेंगे और उसी से मैं ऐसे कंघी मारेंगे, पता नहीं किसको दिखाने जा रहे हो। लगा लो आप काजल, लगा कोई बात नहीं, लंबा करके लगाओगे या छोटा करके? आप बताओ आप, वो पुरानी जमाने वाली हीरोइन नहीं थी, मुझे सबसे बढ़िया लगता है साउथ इंडियन मेकअप, सिंपल सोवर और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, वही वाला लगाऊंगी। लगा लियो, जब हो जाएगा तब देख चलते हैं ठीक है जल्दी। फाइनली लगभग 1.5 घंटे बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ, और जैसा भी मुझे मेकअप आता था मैंने कर लिया है, काम चलाऊ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, सिंपल मेकअप किया है मैंने, और साड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये, आप भी बताना मैं कैसे लग रही हूँ। तो बस अभी तो वो गए नहाने, और इतनी देर से मैं बैठी रही तब तैयार नहीं हुए, और अब जाके गए हैं तो उनको भी लग जाएगा 1/2 घंटा तैयार होने में, फिर चलते हैं। और फेरी कब से रेडी है? फेरी चल रही तू चलेगी? कब से रेडी है, कब से देख रही है? हमारे हैंडसम पति जी भी तैयार हो चुके, बड़े प्यारे लग रहे हो जी। हाँ फेरी तो कब से घूम रही है, ये बंद कर देते पर्दे वर्दे। फेरी का पट्टा, पट्टा पहना, पट्टा नहीं बना रखा? नहीं वो तो पहना दिया, वो कहाँ है? कौन सा वाला? पट्टा बनाओ, पट्टा पट्टा, इसको पट्टा मारना ज्यादा जरूरी है, इधर उधर भाग जाती है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इतनी जल्दी क्यों कर रही है? मैं देख लो देख लो। और ना राजा को लूसी को खाना खाना खिला दिया है, वो बोले जल्दी चल खा
खाना खिला दिया, बस आकाश के आने का जा रहे हैं, तब फटाफट से आ चुका है। और फिर यार राजा देखो पागल हुए जा रहे हैं, उधर से लड्डू भी ये देख लो भाई 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 भाई, बस 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 ये देखो सारे के सारे भाई, कितने खुश देख रहे हो आप। फिर या तो पागल हो जाए, आ जाएगा आ जाए, अभी आ रहा भाई भाई भाई, पागल हुए जा रहे हैं ये सारे के सारे। अल्ले भाई आकाश भाई आ गया हमारा, देख रहे भाई तेरे पीछे कितने पागल हैं। लूसी है हाँ वही देखो, खुश रहे भाई खुश रहे खुश रहे, ओरे 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 भाई, हमारी लूसी को भी पूछ ले भाई बेचारी, वो देखियो देख रहे हो आप ये सारे कितना प्यार करते हैं। और लड्डू देखना बाहर आ गई है, उसको चलते टाइम करेंगे, ये रो रही थी अच्छा। अब ना सबसे मुश्किल काम है राजा को छोड़ना, अगर राजा को ले गए तो लूसी अकेली रह जाएगी, अब ये समस्या होगी नहीं तो, और लूसी रोएगी तो इस वजह से राजा को छोड़ रहे हैं। फेरी तो रह ही नहीं सकती किसी भी तरीके में, और राजा को छोड़ना महाभारत है आज, क्योंकि वो इतना खुश हो रहा है ना जाने के लिए, क्या कर सकते हैं भाई, और लूसी परेशान हो जाएगी। जब हम बाहर निकलेंगे तब इसको खोल देना ठीक है। लूसी बच्चे अभी आ रहे, और सबका खाना पीना सब कुछ करा दिया है ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। अब निकल के एक बार आके तब मेरी माँ उसको देखना, उसको देखना वो तो भाई, इसको तो भाई गाड़ी खोल रखी, इसको इसको गाड़ी में डाल दो फिर मैं, हाँ फिर ना क्या बोलते हैं राजा को भी खोल दो, सुनो तो बाहर से ताला मार दो, क्योंकि कोई गेट खोल ले तो। लड्डू मैं बैठ रही हूँ पीछे और मेरे ये चहेते आ गए, इधर टाइगर भी आ गया है। मेरे को देख के तुरंत आ जाते बच्चे, थोड़ी देर में आऊंगी तब दूंगी ठीक है, इनको नहीं दिया कुछ अभी भी। बता रहा था कि सुसु वगैरह कर लेगी, लेकिन पटाखे छूट गए तो इसका डर के ना इतना बुरा हाल हो गया। हाँ डर गई, आजा 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 मेरे बच्चा। सुसु भी तो नहीं कर रही ना, पानी 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 की बोतल भी भूल गया भाई का। तो शादी का प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से निपट गया, अब चलते हैं घर। फेरी वो राजा लूसी लड्डू वेट कर रहे होंगे, वही तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। खूब सारे मजे करें शादी में, है शादी में मजे करें, कितना कुछ है, हैप्पी शादी में, शादी में आई है। राजा को देख वो नहीं आता, नहीं 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 नो नो नो, आज बेचैन है ना आकाश, इसकी आंखें तो डेंजर लग रही। ओ मेरा बच्चा, इधर सारे परेशान हो गए भाई, लड्डू भी आ गई, घर आते ही सारे सारे इकट्ठे हो गए। ये देखो मेरी क्या हालत करी है इन्होंने, वो बाहर ना निकल जाए भाई, ये वो सब उसे गुस्सा कर रही है। और हमारी लूसी, लूसी हाँ जा रहा है तो देखना, फेरी को देखना, आकाश जा रहा है तो कैसे कर रही है, पागल हो जाएगी भाई ये तेरे बिना रोएगी। आपने देखा ना कितने ज्यादा खुश हुए हमारे घर लौटने पर, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है कि घर आके इतना सारा प्यार मिलता है। लूसी लड्डू राजा फेरी काली, वो एक चीज तो मैंने आप शूट नहीं करी, काली रास्ते में मिली थी, वो गाड़ी के पीछे ऐसी भागी, तो ना अब ना घर आने का मतलब इंतजार रहता है कैसे भी अपने घर पहुंचे। ये देखा ही मेरा राजा बीता। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।